रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का हुआ निधन। हार्ट अटैक की वजह से अरविंद त्रिवेदी का हुआ निधन। सेलेब्स ने ट्वीट कर जताया दुख। दिल्ली में राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों को जीप से कुचल रही है सरकार। आगरा में सपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत कटौती को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की हुई पुलिस से नोकझोंक, पुलिस ने बरसाई सपा कार्यकर्ताओं पर लाठियां। अमेठी में नहीं थम रहा दबंगों का आतंक। दबंगों के चलते दर्जनों दलित परिवार ने किया पलायन। पलायन की खबर से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। लोकप्रिय सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। बता दें वो 82 साल के थे और खबर है कि अरविंद त्रिवेदी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले रात हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया है। एक्टर की मौत की पुष्टि उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने की है और ऐसे में अरविंद के निधन पर उनके साथ काम कर चुके स्टार्स ने भी शोक जताया है। रामायण के राम यानी कि एक्टर अरुण गोविल ने भी ट्वीट किया और लिखा कि आध्यात्मिक रूप से राम अवतार का कारण और सांस्कृतिक रूप से एक बहुत ही नेक, धार्मिक, सरल, स्वभावी इंसान और मेरे अति प्रिय मित्र अरविंद त्रिवेदी जी को आज मानव समाज ने खो दिया और इसीलिए मैं श्रद्धांजलि उन्हें देता हूं। तो बता दें इसके साथ ही अरविंद त्रिवेदी की दो तस्वीरें भी शेयर करी और ट्वीट किया कि बहुत दुखद समाचार है कि हमारे सबके प्यारे अरविंद भाई रामायण के रावण अब हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने एक पिता समान शख्स को खो दिया है। मेरे मार्गदर्शक, शुभचिंतक और सज्जन व्यक्तित्व जैसे वो थे और ऐसे में दीपिका चोखलियाल ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है और लिखा है कि उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है। बीजेपी ने होम मिनिस्टर के बेटे पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। दूसरी तरफ देश भर के किसानों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ समय से भारत के किसानों पर हमले किए जा रहे हैं। किसानों को जीप के नीचे कुचल कर मारा जा रहा है, किसानों की हत्या की जा रही है और ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लग रहे हैं और उन पर एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। जो किसानों का है वो उनसे छीना जा रहा है। ये सबके सामने हो रहा है और इसीलिए देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही आज राहुल गांधी लखीमपुर जाने वाले थे, हालांकि सरकार ने अनुमति नहीं दी। क्या कुछ और अपडेट है पारुल? देखिए, लगातार जो ये लड़ाई है साफ और बढ़ती जा रही, क्योंकि लखीमपुर जाने के लिए राहुल गांधी लगातार कश्मकश में थे कि प्रियंका गांधी वहां पे है, सीतापुर में उनको बंद करके रखा गया है और ऐसे में उनका पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं से प्रशासन के तरफ से भी उनको इजाजत नहीं मिली है और रातों रात धारा 144 लागू कर दी गई, वो भी 8 साल तक बढ़ा दिया गया है। और राहुल गांधी लगातार इसी बात को लेके कह रहे कि गलती क्या है और हमें रोका क्यों जा रहा है, यानी कि सरकार किसानों को उकसा रही है। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो किसानों के साथ है ही नहीं, और जब हमारी पार्टी उन लोगों तक पहुंचने की कवायद कर रही है तो क्यों रोका जा रहा है। वही प्रियंका गांधी भी इसी चीज को लेकर मोर्चा संभाली हुई है और लगातार कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है उनकी जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ की ताजा आप खबर बता दूं कि लखनऊ के कांग्रेस ऑफिस में भी काफी लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। वहीं लखनऊ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। विधानसभा हो या आसपास के जितने भी एयरपोर्ट हो या चारबाग स्टेशन हो, सब जगह पे पुलिस ने बैरिकेडिंग से बंद कर रखा है ताकि कहीं से भी चार आदमी इकट्ठा ना हो सके।
बिल्कुल रूबी, और जिस तरह से देखिए आज राहुल गांधी वहां पर जाना चाह रहे थे, हालांकि सरकार ने इजाज़त तो नहीं दी, और ऐसे में अब आगे किसी तरह की और घटना ना हो उसको देखते हुए एक बार फिर से लखीमपुर में और सीतापुर में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। देखिए सीतापुर में भी हलचल उसी तरह से देखी जा रही है क्योंकि वहाँ पर प्रियंका गांधी मौजूद है, उधर दिल्ली से राहुल गांधी भी जाना चाहते हैं। पारुल, लगातार ये चीजें बढ़ती ही जा रही क्योंकि थमने का नाम नहीं ले रही है। सीतापुर हो या अभी जो अपडेट हुआ है बहराइच भी उसी में आ चुका है। बहराइच के भी दो किसान थे जो खत्म हुए थे और अब वहां पे भी नेट सेवा को बंद कर दिया गया है। अब जो मांगे हैं अब उनको यही कहना है कि अजय मिश्रा के जो बेटे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जब तक प्रशासन के दबाव नहीं होगा तब तक हम अपनी इस लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। वही राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो उनका भी यही लगातार कहना है कि इस परिवार से मिलने की इजाजत दी जाए, तब तक नहीं मिलेगी जब तक यहाँ पे हमारा जो डेरा है वो बना रहेगा, चाहे प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से जितने भी प्रताड़ना दी जाए वो हम लोग तैयार है फेस करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी को रोक लिया गया है, राहुल गांधी आने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुके थे लेकिन अब धारा 144 की वजह से बिल्कुल बिल्कुल रूबी, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरह से आज लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे थे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हम किसानों से मिलना चाहते हैं और मैं जाकर वहां किसानों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि हाथरस में जब कांड हुआ था उसके बाद हम गए और सरकार पर दबाव बना तभी इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई। जी बिल्कुल पारुल, राहुल गांधी लगातार इसी बात को ही जोर दे रहे हैं कि जब तक दबाव नहीं बनाएंगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं प्रियंका को बंद करके रखा गया, यानी कि मामला किसानों का है तो प्रियंका को बंद करके क्यों रखा गया, मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। राज्यों के जो सीएम है वो भी यूपी नहीं जाने दिए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। अगर सरकार गलत नहीं है तो एक बार मिलने के लिए इजाजत जरूर दे। वहीं विपक्ष इसी बात को लेकर लगातार बोल रहा है, अखिलेश यादव ने भी इसी बात को लेकर धरना दिया था, शिवपाल यादव ने भी इसी बात को लेकर भी धरना दिया था कि उन तक पहुंचने के लिए मौका दिया जाए, यानी कि उन परिवारों से एक बार मिलने दिया जाए। सरकार क्यों लगाम लगा के रखी, क्यों नहीं मिलने दी जा रही है, इसी को ही लेकर जो बहस है लगातार पारोल बढ़ती ही जा रही है। जी चलिए रूबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे थे हालांकि सरकार ने इजाज़त नहीं दी, उसके बाद राहुल गांधी ने आज दिल्ली में अब से थोड़ी ही देर बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में उन्होंने कहा कि किसानों को कुचलने का सरकार काम कर रही है और उनका जो है वो उनसे छीना जा रहा है, इसीलिए देश के किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। कोरोना के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है, दरअसल दूसरी लहर के प्रकोप के बाद देश में अब तक सबसे कम कोरोना के मामले सामने आए हैं और इनमें से भी दक्षिण राज्य केरल से ही सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 18,833 नए कोरोना केस आए जबकि 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 24,770 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं और अच्छी खबर ये है कि देश में एक्टिव केस की संख्या 2.5 लाख से कम हो चुकी है। ऐसे में देश में फिलहाल 2,44,000 से ज्यादा मरीजों का भी इलाज चल रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये पिछले 203 दिनों में एक्टिव केस का सबसे कम है। इससे पहले मंगलवार को कोरोना के 18,346 नए मामले सामने आए थे और 263 लोगों की जान चली गई थी जबकि 201 दिनों बाद मंगलवार को कोरोना के नए मामलों की संख्या 20,000 से कम रही थी। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कल 4,770 लोग ठीक भी हुए थे जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,46,000 हो चुके हैं। ऐसे में आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 3,38,71,881 मामले आ चुके हैं जिनमें से अब तक कोरोना से 4,39,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब तक 3,31,75,665 लोग ठीक हो चुके हैं और केरल की बात करें तो वहां मंगलवार को कोरोना वायरस के 9,735 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 47 लाख के पार हो चुकी है। इसके अलावा 151 मरीजों की जान जाने के बाद मृतकों की कुल तादाद 25,677 पर पहुंच गई है। वहीं राज्य में लगातार
दूसरे दिन संक्रमण के 10,000 से कम मामले सामने आए और सोमवार को 13,800 से ज़्यादा लोग संक्रमण से उभरे भी हैं, जिसके बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 45,88,084 हो चुकी है। वहीं इलाज करा रहे रोगियों की संख्या 1,24,441 है और बीते 24 घंटे में लगभग 90,000 से ज़्यादा नमूनों की जांच भी की जा चुकी है। आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के बाद आज घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अब से गैस सिलेंडर खरीदने के लिए आपको 15 रुपये ज़्यादा खर्च करने होंगे और ऐसे में सरकारी तेल कंपनियों ने नॉन सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडरों के रेट्स में भी इजाफा किया है। वहीं इससे पहले 1 अक्टूबर को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई थी। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत सभी महानगरों में रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में LPG सिलेंडर का भाव 998 रुपये पर पहुंच चुका है और ऐसे में माना जा रहा है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तेज़ी से बढ़ती रहीं तो घरेलू गैस सिलेंडर का प्राइस जल्द ही 1,000 रुपये पहुँच सकता है। आपको बता दें कि सितम्बर को 14.2 किलोग्राम के गैर सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने 18 अगस्त को गैस सिलेंडरों की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा किया था। देश में कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और हर साल शारदीय नवरात्रि का पूजन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और नवमी तिथि तक चलता है। इसके बाद विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि में मां नव दुर्गा के नव रूपों की पूजा की जाती है और इस मौके पर कोलकाता में दुर्गा पूजा की जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने दूसरे साल भी वार्षिक दुर्गा पूजा समारोह रद्द करने का फैसला किया है, जिसमें प्रतिमा विसर्जन से पहले शहर के शीर्ष पंडालों की थीम प्रस्तुति शामिल है। सरकार ने राज्य के लोगों से कोविड रोधी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया है। हाल ही में जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने यह भी रेखांकित किया है कि पंडालों के नजदीक कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि श्रद्धालुओं को आवश्यक रूप से मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना होगा। इसमें आयोजकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पंडाल सभी तरफ से खुले रहें और उनमें पर्याप्त स्थान और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की प्रतिबंध हो। वहीं आदेश में कहा गया है कि पंडालों में प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होने चाहिए और लोगों को भीड़ न लगाने को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। यूपी में इलेक्शन करीब होने पर दलित वोटों को साधने के लिए जहां BJP के नेता दलितों के घर भोजन कर रहे हैं, वहीं अमेठी में ब्लॉक प्रमुख के परिवार वालों की दबंगई भी सामने आई है, जिसके चलते दर्जनों दलित परिवार ने गांव छोड़कर पलायन कर लिया है। और जैसे दलितों के पलायन की खबर पुलिस को मिली तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने सबको थाने पर बिछाकर पूछताछ की और मामले की जाँच में जुट गई। दरअसल ये मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर गांव में दलित परिवारों के अलावा क्षत्रिय समाज के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। यहां के निवासी और ब्लॉक प्रमुख दिनेश सिंह के परिवार पर दलित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव के एक दलित युवक ने बताया कि अरविंद सिंह और प्रवेश सिंह में मारपीट हुई थी और ये मारपीट कब और कहाँ हुई लोगों को नहीं पता। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने इन्हें मारा है, अब ये दबंग हमसे गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और तमंचा लेकर रास्ते में बैठ जाते हैं और हमें धमकियां देते हैं, हमारी बहन बेटियों को भी गालियां देते हैं। थाने आए हैं सर, ये अरविंद सिंह और प्रवेश सर, दोनों सर दोनों मारपीट कहाँ हुई, कैसे हुई सर कुछ पता नहीं हम लोगों को। ये लोग कहते हैं सर कि हमने उन्हें मारा है सर, गलत आरोप लगा के मुझे मारने की धमकी देते हैं सर, कट्टा लेके बैठते हैं, मुझे दौड़ते हैं रोड पर मारने के लिए दौड़ाते हैं सर, इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि सर हमें कुछ मिले, सुरक्षा मिले या और कुछ हो सर, कुछ ना कुछ सहायता हो सर। हमारी बहन बेटियों को गाली देते हैं सर, सरेआम जाके द्वार पर गाली दे के आते हैं सर, हमारी बहन बेटियों को छेड़ देते हैं
हम लोग सर बहुत परेशान हैं, आज से नहीं, आज कई साल से सर ऐसे परेशान है, कई एप्लीकेशन डाल दिए हैं सर, कोई सुनवाई आज तक भी नहीं। यहाँ जाते हैं, यहाँ तक कि विधायक जी आते हैं, समझौता भी करवा देते हैं सर, दो चार दिन दस दिन महीना भी माने रहते नहीं, फिर वही हाल करते हैं और कह रहे हैं सर कि तुम लोगों को सर ट्रैक्टर से चढ़ा के मार दूंगा, एक्सीडेंटल केस बना दूंगा, कुछ नहीं होगा सर। और सुरेश सिंह उनके भाई बड़े आए, उन्होंने पूछा क्यों मारा उसे, तो हमने कहा सर हमने मारा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ कैसे मारा कैसे नहीं मारा। तो बोल रहे हैं कि तुम्हें तीन भाई ने मारा है। तो हमने सर क्या चाहते हो, चाहते हैं सर, इन्होंने आरोप लगा रहे हैं झूठा, तो क्या करें सर, ये मारने की धमकी दे रहे हैं, तो हमें सर कुछ सपोर्ट या सरकारी कुछ तो होना चाहिए सर हमारे साथ। मामला यह है साहब कि हम रहा नहीं न पाओ, बिना अर्थ हमको मारते हैं, घर जाते हैं, हमारी बहन बिटिया पकड़ते हैं। कौन प्रमुख के जो है भाई लड़का पिता के, किस लिए कोनो अर्थ नहीं है साहब, हम गरीब आदमी कमा रहे हैं खा रहे हैं। क्या नाम है उनका? एक जिने के अरविंद ना है, एक जिने के सूर्यत ना है, एक जिने के परवेत ना। मामला यही है सर कि अरविंद सिंह और मिंटू सिंह कह रहे हैं यहाँ पे मारने दौड़ते हैं, गाली देते हैं, यहाँ पे गोली को धमकी देता है। क्यों? ये जो जौन है गाली देता है, मारता है, गाली देकर कहता है यहाँ पे तुमको सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कट्टा लेकर रात भर 24 घंटा, कल पूरी रात घर ने घेरा था। हिंसा के दौरान मारे गए किसानों के परिसरों में बेहद ही आक्रोश पनप उठा है। बहराइच के नानपारा इलाके के दो किसानों की मौत लखीमपुर में हुई थी, जिनका शव पोस्टमार्टम के बाद बहराइच भेजा गया था, लेकिन मृतकों के परिजन अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि मंत्री के दबाव में गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है, और उनका ये भी आरोप है कि किसान की हत्या गोली लगने से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी गोली लगने की बात नहीं कही गई है। ऐसे में मृतक किसानों के परिजन लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि दोबारा डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाए, उसके बाद ही वो अंतिम संस्कार करेंगे। इसी बीच किसानों के परिजनों से मिलने पहुंची पंजाबी फिल्मों की हीरोइन सोनी मान ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। फिलहाल किसानों को मनाने में आईजी देवी पाटन मंडल राकेश कुमार भी जुटे हुए हैं। नहीं, आपका क्या कहना है, आप दाह संस्कार क्यों नहीं, कोई मांगे हैं सरकार से अभी, आपकी आधी अधूरी मांगे हैं? रिपोर्ट हमको मिले तब हम, कैसी रिपोर्ट मिले आपको? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी तब आप दाह संस्कार कराएंगे? नहीं, आपका क्या कहना है, आप दाह संस्कार क्यों नहीं, कोई मांगे हैं सरकार से अभी, आपकी आधी अधूरी मांगे हैं? रिपोर्ट हमको मिले तब हम, कैसी रिपोर्ट मिले आपको? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी तब आप दाह संस्कार कराएंगे? चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो लखीमपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी हो सकती है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर ये सूत्रों के हवाले से मिल रही है, गृह राज्य मंत्री के बेटे मोनू की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर दबाव प्रशासन पर बनाया जा रहा है, और इसी दबाव के बाद शायद ये गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसी ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर के लखीमपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें, रविवार को जिस तरह से लखीमपुर में चार किसानों की जान गई थी और तीन बीजेपी कार्यकर्ता और एक ड्राइवर की जान गई थी, एक पत्रकार की जान गई थी, उसके बाद से ही ये मामला लगातार कुंभ पकड़ता जा रहा है, और हर कोई गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे पर निशाना साध रहा है, उनके बेटे पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि लगातार आरोप यही लग रहे हैं कि आशीष की गाड़ी से ही उन किसानों को रौंदा गया है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में दोनों बाप बेटों के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली गई थी, लेकिन पूछताछ अभी तक नहीं हुई थी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, ये जानकारी मिल रही है अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या कुछ अपडेट है?
पारुल देखिए दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अजय मिश्रा के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है और इन मुश्किलों का हल एक ही है कि अपने बेटे की गिरफ्तारी देना, यानी कि विपक्ष जो है वो लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है और सरकार के लिए जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती ही जाती है और ऐसे में फैसला लेना ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो ऐसे में सरकार की तरफ से किरकिरी होना लाजमी है क्योंकि विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी अपनी गांधी को लेकर भी काफी परेशान है, वो लगातार इसी बात को लेकर जोर दे रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव हो या शिवपाल यादव हो, उनका भी जोर इसी बात को लेकर है कि अजय मिश्रा को जो बेटे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन देखिए प्रशासन पर दबाव बन रहा है उसको देखते हुए ये गिरफ्तारी होगी, लेकिन क्या कुछ ऐसे सबूत मिल पाए हैं जिसके बिहाफ पर ये गिरफ्तारी होगी या सिर्फ दबाव है इसलिए कर दी जाएगी गिरफ्तारी? देखिए पारुल, जो सूत्रों के हवाले से एक वीडियो जारी हुआ था उसमें ये साफ दिख रहा था कि जो गाड़ी है वो किसानों को रौनती भी निकली है, लेकिन अजय मिश्रा ने ये दावा भी पेश किया था कि ऐसे में उनका बेटा उस जगह पर नहीं था और उन्होंने ये दावा भी किया है कि वहां पे उस दिन उस जगह पे मौजूद ही नहीं था। लेकिन ये कह सकते हैं कि विपक्ष का दबाव है या ये भी कह सकते हैं सरकार की किरकिरी को रोकने के लिए वो अपने बेटे की गिरफ्तारी कराना इनके लिए मजबूरी बन जाएगी। बिल्कुल रूबी, और अगर अभी जो ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी हो सकती है, अगर ये गिरफ्तारी हो गई तो राहुल गांधी की बात शायद सच हो जाएगी क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हाथरस कांड पर भी हमने दबाव बनाया था प्रशासन पर, तभी कार्रवाई की गई थी। बिल्कुल ठीक कहा पारुल, तो राहुल गांधी किसी बात को लेकर ही दबाव बना रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब हाथरस में कांग्रेस ने जब इंटरफेयर किया है उसके बाद ही कहीं ना कहीं रिजल्ट आया था, तो अब लखीमपुर मामले वाले भी इसको तरीके से वो एक्टिव हो चुके हैं और उनका यही मानना है कि जब तक अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है जो सूत्रों के हवाले से खबर है बहुत जल्द ही अजय मिश्रा के जो बेटे हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल रूबी, और यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, देखिये लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है इस पूरी घटना को लेकर और जिस तरह से राजनीति की जा रही है हर कोई देख रहा है, लेकिन अगर अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या ये मामला शांत हो जाएगा, क्या विपक्ष शांत हो जाएगा? देखिए पारुल, कुछ राजनीति ऐसी होती है कि जिसमें उसी टाइम में फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। हालांकि रास्ते ही ये अटकलें थी कि जो अजय मिश्रा है वो बहुत जल्द ही जाके दिल्ली में मुलाकात करेंगे और वहां पे अपनी बात को रखेंगे, लेकिन अब जो अपने बेटे की गिरफ्तारी को लेकर उनके लिए मुश्किलें जो है उसका सब लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं अपने आप को सही मानेगी क्योंकि विपक्ष का शुरू से यही कहना था जिसने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया है उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए, लेकिन योगी सरकार लगातार बचाते हुए नजर आ रही, विपक्ष लगातार इसी बात को लेकर हमला कर रहा है, लेकिन अब जो सूचना है यानी कि सूत्रों से जो मजबूती खबर आ रही है उसमें कुल मिला के यही कहने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अजय मिश्रा के जब तक बेटे की गिरफ्तारी नहीं होगी इस मसले को लेकर विराम नहीं लग सकता। चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे गिरफ्तार हो सकते हैं, प्रशासन पर लगातार जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है उसको देखते हुए हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। हवाले से जानकारी मिल रही है, अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी हो सकती है, आशीष मिश्रा की गृह राज्य मंत्री के बेटे मोनू की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि लगातार जिस तरह से प्रशासन पर दबाव बन रहा है, लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है उसको देखते हुए हो सकता है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो जाए। हरदोई की सुरसा पुलिस ने सर्विलांस और स्वाट टीम की मदद से वाहन चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से छह बाइक बरामद की हैं। ये बाइक लखनऊ, कन्नौज और हरदोई से चोरी की गई हैं। पुलिस को ये सफलता एसपी के ऑपरेशन शिकंजा के तहत मुखबिर की सूचना पर मिली है। एसपी ने बताया कि सभी को जेल भेज दिया गया है और मामले की कार्रवाई की जा रही है। ये कामयाबी थाना सुरसा जनपद हरदोई टीम का है।
इन्होंने एक अभियान के तहत जो बाइक चोरियां हो रही थी उनके काम करने वाले चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। चार चोर बहुत शातिर किस्म के हैं जिनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से आधा दर्जन हाई स्पीड और हाई क्वालिटी मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। छह मोटरसाइकिलें बरामद हैं जिसमें से तीन मोटरसाइकिलें चोरी की घटनाओं से संबंधित पाई गई हैं। शेष तीन मोटरसाइकिलें संदिग्ध हैं जिनके बारे में हमारी सुरसा पुलिस और क्राइम ब्रांच जांच पड़ताल कर रही है। इन चारों चोरों को इन छह मोटरसाइकिलों के साथ हमने कब्जे में लिया है। सभी ठोस सबूतों के साथ इन चारों चोरों जिनका सरगना सलमान नाम का एक चोर है उस सरगना के साथ इनको जेल भेजा जा रहा है। इन पे आगे भी फॉलो अप कार्रवाई की जाएगी जैसे HS का खुलवाना, गैंगस्टर बनाना, इनकी संपत्तियों को कुर कराना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।